हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव, जो मतलब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, उन्होंने सीधा सीधा आज बताया है कि उन शिक्षकों की 10,000 भर्ती पर नियमों में होगा परिवर्तन। पूरी जानकारी देंगे, साथ में देखिएगा छत्तीसगढ़ के नए जिलों के गठन के लिए राजस्व विभाग में 58 पदों के जो पदों की स्वीकृति है वो डिप्टी कलेक्टर से लेके जो राजस्व निरीक्षक के साथ में सहायक वृत्ति भृत्य बहुत सारे पद है, हम पूरा डिटेल देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब। को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन हुआ है। आज सुबह की वीडियो में मैंने बताया था, साथ में आप देखेंगे कि जब नए जिलों का गठन हुआ है तो जाहिर सी बात है वहां पे कार्यरत कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। और इसी के मद्देनजर जो है छत्तीसगढ़ में नए जिलों के गठन के साथ साथ वहां पे जो सेटअप है उसकी भी स्वीकृति कंटिन्यू मिल रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें खैरागढ़ जो जिला है, सीधी सी बात है खैरागढ़ जिले के लिए आप लोगों के लिए 58 पदों का जो है वो सृजन किया गया है। अब अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से पद है तो देखिएगा, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जो कि भर्ती होती है डायरेक्ट सीजीपीएससी के थ्रू होती है डिप्टी कलेक्टर की भर्ती, जहां पे खैरागढ़ छुईगदान गंडई के लिए 2 पद जो है डिप्टी कलेक्टर के यहां पे बताया गया है। अब देखिएगा 2 पद अगर जो प्रत्येक जिले में है तो जाहिर सी बात है 3 जिले, मतलब सीधी सी बात है 3×6 जो पोस्ट है वो डिप्टी कलेक्टर के बढ़ जाएंगे। साथ में अगर हम बात करें अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, स्टेनोग्राफर वर्ग 1, सहायक ग्रेड 2, अब डायरेक्ट व्यापम के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है वो है सहायक ग्रेड 3 का, जिसमें कि 8 पद को सृजन किया गया 1 जिले से। मतलब सीधी सी बात है ये 24 पद जो है सीधी सी बात है सहायक ग्रेड 3 के हो गए 3 जिलों के हिसाब से। और स्टेनोटाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो 3 पद है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है व्यापम के माध्यम से। साथ में वाहन चालक के 5, दफ्तरी के 1, माल उजमादार के 2, चौकीदार के 3, भृत्य के 1 और अंशकालीन स्वीपर के 1, ऐसा करके 43 पद टोटल जो है जिला कलेक्टर में 1 जिले के लिए रखा गया है। अगर हम बात करें 3 जिले के लिए तो लगभग 120 पद यहां पे सृजित किए गए, 120 से अधिक पद जो है यहां पे सृजित होंगे। इसी प्रकार के पद रहेंगे अगर आपके अभी वर्तमान में 3 जिले के हिसाब से, लेकिन चूंकि और 2 जिले बनेंगे चिरमिनी और शक्ति, तो जाहिर सी बात है वहां पे भी इसी प्रकार से पदों का सृजन होगा। और ये फायदा होगा कि आने वाले जो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन है, साथ में सीजी व्यापम में जो संयुक्त भर्तियां होंगी उस पर ये बहुत ही शानदार जो है भर्तियां आने को आपका वेट कर रही है। फिलहाल देखिएगा ये तो खैर हो गया आपके कलेक्टर ऑफिस में, कार्यालय जो अधीक्षक भू अभिलेख अधिकार जो अभिलेख कार्यालय है वहां पे भी जो है 15 पदों का जो है सृजन किया गया है। अब अगर यहां पे बात करें तो यहां अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 2 पद। अब बात करें राजस्व निरीक्षक की, जिसका व्यापम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेता है, जिसका अगर हम बात करें रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको कहा जाता है, अब 3 पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी 3 या 9 पद ऐसे ही हो जाएंगे। तो ऐसा करके इस राजस्व निरीक्षक के भी पद बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है कुछ राजस्व निरीक्षकों का प्रमोशन होगा, कुछ रिटायरमेंट होगे, तो आपको डेफिनेटली जो है राजस्व निरीक्षक के बहुत ही जल्द जो है आने को वैकेंसी देखने को मिलेगी व्यापम के माध्यम से। साथ में मानचित्रकार, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, अनुरेखक और वृत्त के भी ऐसा करके टोटल 15 पदों का यहाँ पे सृजन किया गया है। अब इस प्रकार से टोटल देखें तो 58 पदों का जो है वो सृजन यहाँ पे हुआ है और बहुत ही शानदार यहाँ पे 1 जिले के लिए 58 पद है। तो याद रखिएगा 3 जिले और उसके बाद फिर 2 जिले और बनेंगे, ऐसा करके टोटल 5 जिले बनेंगे, तो लगभग 150 से अधिक वैकेंसियां यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल ये आने वाले समय के लिए सुनहरा अवसर जरूर रहेगा क्योंकि भर्तियां पोस्ट खाली रहेंगे। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, शिक्षकों के 10,000 पदों की भर्ती पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तरह तरह की मांगे जो है शिक्षकों की भर्ती पर चल रही है, बहुत सारे अभ्यर्थी बेचैन हैं और जाहिर सी बात है बेचैनी का कारण क्योंकि वो मांग रखे हैं और उन मांगों का कहीं ना कहीं कल जो है एक मूर्त रूप मिल सकता है या नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है उन्होंने जाहिर सी बात है बोल दिया है, कह दिया है कि नियमों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और आने वाले साल में शिक्षा सत्र के पहले जो है नए जो 10,000 शिक्षकों की भर्ती है वो हो जाएगी, जिससे कि आने वाले जो नया शिक्षा सत्र है उसमें करीबन 14,000 पुराने और 10,000 नए, ऐसा करके लगभग 25,000 शिक्षकों की भर्ती लगभग हो जाएगी इन 5 सालों में। तो जाहिर सी बात है ये शासन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यही एक छोटा सा जो क्लिप है पहले आप वो देखिएगा कि जिसमें जो है प्रमुख सचिव जी ने क्या कहा है, उस पर फिर हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं।
ने मुझे बताया कि वर्क ऑर्डर जारी हो गया है सर, और आज उसका वर्चुअल भूमि पूजन सर आपके हाथों से होगा। मैं मतलब उम्मीद ये करने की कोशिश करता हूँ कि शायद अगर हम जून तक नहीं तो कम से कम साल भर के भीतर उसका भवन अगर पूरा कर सकें। सर आपकी कृपा से, पैसों की हमारे पास इसमें कमी नहीं है, अब तेजी से काम हो जाए और वो स्कूल जल्दी बन जाए सर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दो बड़ी चीज़ें सर आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और एक सर आपकी बड़ी कृपा हम लोगों को मिली है सर, पिछले 20-25 सालों से स्कूलों का बड़ा भवनों की बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी सर, बिल्कुल भी मरम्मत के लिए पैसे मिलते नहीं थे, हर साल मुश्किल से 30-35 लाख भी मिल गया तो बड़ी बात है। उसका नतीजा ये हुआ है सर कि बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों के भवनों में मरम्मत की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी जब भी कभी मुझे बुलाते हैं, बाकियों से बात करते हैं, तो हमेशा ही कहते हैं इतने सारे जर्जर भवन है, कुछ करना चाहिए। सर आपने घोषणा की है 500 करोड़ रुपये देने की, तो बहुत बड़ी बात है सर। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे सर कि अगली बरसात के पहले पहले सभी स्कूलों के भवनों को हम अच्छा कर लें, मरम्मत कर लें सर। और जो आपने सर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है सर, 14,500 पहले निर्णय हुआ था जिसमें लगभग 12,000 हम भर्ती कर पाए सर, कुछ समस्याएं थी जिनके कारण कुछ भर्ती नहीं हो पाई थी, अब आपने 10,000 और भर्ती करने की अनुमति दे दी है सर। कुछ मामूली परिवर्तन हमको नियमों में करने की आवश्यकता है, कल कैबिनेट में सर हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो मुझे सर पूरी उम्मीद है कि अगले शिक्षा सत्र के पहले शिक्षकों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ सकेगी। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा कि किस प्रकार से प्रमुख सचिव जी ने बात किया और कहा कि भाई नियमों में परिवर्तन करना है और कल कैबिनेट की बैठक है, और कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के 10,000 पदों को हरी झंडी मिलेगी, और साथ में क्या अपडेट मिलेगा आपको कंटिन्यू दिया जाएगा। फिलहाल एक और भी बहुत सारी जानकारियां हमको मिल रही है, आने वाले समय में आपको कंटिन्यू आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलता जाएगा। फिलहाल अब अपनी तैयारी की स्पीड को 4 गुना कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय खत्म हो चुका है तैयारी करने का, अब आपको बस भर्तियों के ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। फिलहाल आज का पॉजिटिव न्यूज़ यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।